हेलो एवरी वन वेलकम टू ईजी लर्न लेव दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं आ, कुछ वैक्सीनेटर की जाप के हवाले से एक आ, मेरे पास जो मौजूद हैं मोस्ट इम्पॉटेंट एम सी क्यूज़ जो रिसेंटली चल रही है वैक्सीनेटर्स की जाप जाब्स की एन टी एस वाली टेस्ट तो उसके हवाले से ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही नाहती ही यूज़ुल एम सी क्यूज़ हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला एम सी क्यूज़ है वाट डज़ ई पी आई स्टैंड फार तो होगा ई पी आई स्टैंड फार इसका ऑप्शन ए सही है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनिजेशन क्वेश्चन नंबर टू है द ई पी आई एम्स टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन अगेंस्ट वच डिजीजेज़ इनमें से कौन सी डिजीजें हैं जिनके तहत ई पी आई प्रोग्राम में वैक्सीनेशन दी जाती है तो उसका ऑप्शन ए सही है मीजल्स पोलियो एंड एंडलोस क्वेश्चन नंबर थ्री है वच ऑर्गेनाइजेशन स्पेयर हेड्स द ई पी आई ग्लोबली वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ई पी आई प्रोग्राम को चलाती है पूरी दुनिया में तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज रिकमेंडेड डोज फॉर द बेसिलस कैलमेटी ग्यूरन जिसको बीसीजी कहा जाता है वैक्सीन तो ये किस चीज़ के लिए हम देते हैं सॉरी इसके क्या डोजेज होते हैं तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए सिंगल डोज होता है एट द बर्थ बच्चे के पैदा होने के बाद जो लगाया जाता है वो बी लगाया जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड औरली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो वो कौन सी वैक्सीन है जो पोलियो के ख़िलाफ़ औरली दी जाती है तो इसका ऑप्शन सही होगा सी ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे ओ कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास यहाँ पर हाउ मेनी डोजेज़ ऑफ़ मीजल्स वैक्सीन आर टिपिकली गिवन एज ए पार्ट ऑफ ई पी आई शेड्यूल ई पी आई या शेड्यूल के तहत कितने मीजल्स uh, के मीजल वैक्सीन के डोजेज दिए जाते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा बी टू डोजेज़ क्वेश्चन नंबर सेवन है द फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन इज यूजली गिवन एट वाट एज मीजल्स वैक्सीन का सबसे पहला डोज किस एज में दिया जाता है तो इसका ऑप्शन होगा सी नाइन नाइन मंथ्स की एज में दिया जाता है क्वेश्चन नंबर एट है दाइटस बी वैक्सीन इज यूजली गिवन इन हाउ मैनी डोजेज हेपाटाइट्स बी के कितने आम तौर पर डोजेज दिए जाते हैं तो उसका ऑप्शन होगा सी थ्री डोजेज नंबर नाइन है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लूजा टाइप बी एच आई बी कौन सी वैक्सीन जो है एच आई बी के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करती है तो उसका ऑप्शन होगा सी एच आई वैक्सीन विच इज़ रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेज ऑफ़ द डी पी टी वैक्सीन तो डी पी टी का जो फर्स्ट और सेकेंड डोज है उनके बीच में कितना वक़ा होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा सी सिक्स वीक्स क्वेश्चन नंबर एलेवन है द रोटा वायरस वैक्सीन इज यूजली गिवन इन हाउ मेनी डोजेज रोटा वायरस को कितने डोजेज में दिया जाता है कितने डोज दिए जाते हैं रोटा वायरस के तो उसका सही ऑप्शन होगा सी थ्री डोजेज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय दी ओरल पोलियो वैक्सीन ओ पी वी से हमें किस ओ पी वी वैक्सीन जो है उसे कौन सी बीमारी से बच सकते हैं तो या हमें कौन सी बीमारी से बचाव देती है तो उसका सही ऑप्शन होगा बी पोलियो वैक्सीन पोलियो डिजीज़ थर्टी है ई पी आई रिकमेंड्स एडमिनिस्ट्रेट द फर्स्ट डोज ऑफ़ दी वैक्सीन विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ बर्थ तो ई का आ, जो वैक्सीन है वो बर्थ के कितने आर्स के बाद कितने घंटे के बाद दिया जाता है तो इसका आंसर होगा बी ट्वेंटी फोर आवर्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कुछ वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफ्थेरिया टिट्नस एंड पर्ट्यूस वो कौन सी वैक्सीन है जो इन तीनों डिफेरिया टिटनस और प्रट्यूसिस से बचाती है तो यहाँ पर आंसर होगा बी डी पी टी वैक्सीन डी पी टी मीन्स डिथेरिया टिट्नस प्रट्यूसिस फर्स्ट डोज ऑफ़ दी रूटा वायरस वैक्सीन इज़ कितनी एज में रूटा वायरस दिया जाता है तो ऑप्शन होगा ए टू मंथ्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है

प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी ह्यूमन एच पी वी तो कौन सी वैक्सीन हमें एच से बचाती है तो इसका सही आंसर होगा डी एच पी वी वैक्सीन द फर्स्ट डोज ऑफ एच पी एच पी वी वैक्सीन इज टिपिकली रिकमेंडेड एट वाट एज एच पी वी का जो डोज है पहला वो किस एज में रिकमेंड रिकमेंडेड uh, किया जाता है या दिया जाता है तो एज होगी इलेवन ईयर्स ऑप्शन है इसका बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है कंचूगेट वैक्सीन एम सी वी इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज़ सो एम सी वी जो है एम सी वैक्सीन जो है किस डिजीज़ के खिलाफ दी जाती है तो मैनेजाइट्स के लिए ऑप्शन ए ट्वेंटी टू है द रिकमेंडेड एज फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ़ द एम सी वी वैक्सीन इज एम सी वी का पहला डोज कब दिया जाता है तो उसका ऑप्शन होगा डी एलेवन टू ट्वेल्व ईयर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरसेला चिकन पॉक्स तो इसका सही ऑप्शन होगा सी और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वैक्सीन इज वच वैक्सीन टाइप इज़ कॉमनली यूज फॉर द बी सी जी वैक्सीन वैक्सीन जो टाइप है बी सी जी का वो कौन सा होता है तो इसका आंसर होगा ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है द पोलियो वैक्सीन यूज इन द ई पी आई इन इज़ प्राइमरली ऑफ वच टाइप तो इसका सही जवाब होगा बी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है विच वैक्सीन टाइप इज़ यूज फॉर दपाटाइट्स बी वैक्सीन हेपाटाइट बी वैक्सीन Uh, का क्या टाइप होता है तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये बहुत ही लाजमी जो ये जो हम पढ़े हैं फॉर्म्स या इनके टाइप्स ये बहुत ही uh, जो है ज़रूरी है इनमें लाजमी क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है द प्रोड्यूस कंपोनेंट ऑफ डी टी पी वैक्सीन इज यूजली इन द फार्म ऑफ विच वैक्सीन टाइप तो इसका ऑप्शन होगा डी सब यूनिट वैक्सीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द हेमोफिलस इन्फ्लुजा टाइप बी एच आई वैक्सीन बिलोंग्स टू विच वैक्सीन टाइप तो ऑप्शन होगा डी कैंजुकेटेड वैक्सीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है नमूनो कोकल का इंजुकेटेड वैक्सीन पी सी वी इज इन एग्जाम्पल ऑफ विच वैक्सीन टाइप तो ये भी होगा ऑप्शन डी कांजुकेट वैक्सीन क्वेश्चन नंबर थर्टी है वच वैक्सीन टाइप इज़ यूज फॉर मीजल्स मम्स रुबेला एम एम आर वैक्सीन तो इसका क्या टाइप है इस वैक्सीन का तो ये है लाइव एट एटेन्यूटेड वैक्सीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द रोटा वायरस वैक्सीन इज टिपिकली अवेलेबल इन विच वैक्सीन टाइप रोटा वायरस वैक्सीन का क्या टाइप है कौन से किस्म की है तो ये भी ऑप्शन होगा ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यूज इन ई पी आई इज प्राइमली प्राइमरी ऑफ विच वैक्सीन टाइप तो इसका ऑप्शन होगा बी इन वैक्सीन क्वेश्चन नंबर लास्ट है थर्टी थ्री द ह्यूमन फिल्मो वायरस एच पी वी वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वैक्सीन टाइप तो इसका ऑप्शन होगा डी सब यूनिट वैक्सीन